नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। इस वक्त हमारे समक्ष है पल्लवी क्लिनिक के संचालिका डॉक्टर पार्वती राणे मैम। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी देखा गया कि अभी जो चल रहा है, हालत जो चल रही है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम्स लोगों को काफी बढ़ रहे हैं, तो इस संदर्भ में आपके पास जो पेशेंट आते हैं आप किस तरह से डायग्नोसिस करते हैं, क्या अपना डायग्नोसिस का प्रकार होता है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, आज कोरोना पिछले साल आ चुका है 2019 में, उसके कारण पेशेंट काफ़ी डरा हुआ है। किस अभी वैक्सीन ले चुका है पेशेंट, जिन्हें कोरोना हुआ है उन्होंने ओवरडोज मेडिसिन ली है, क्योंकि कोरोना के लिए अभी तक के कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं था, इस वजह से उसका बचाव और उसके लिए मेडिसिन, ये जो दोनों ट्रीटमेंट थे इसमें काफ़ी किसी को फ़ायदा हुआ है और साथ ही साथ जिसकी इम्यूनिटी वीक थी उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसके अनुसार पेशेंट जिसे कोरोना हुआ है और जो कोरोना की वजह से परेशान है, एक तो डर है और दूसरा है उसका होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स के लिए अभी हम काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है। उसका कारण है कि उसमें जो अंदर से उसकी दवाइयों के प्रति, डॉक्टर के प्रति और वातावरण के प्रति एक असहमियत बरत रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता है कि उसे हुआ क्या है और उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट करना अभी हमें थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे हालत अभी काबू में आ रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास आता है हमें उससे पूरी तरह से उसकी जानकारी लेनी पड़ती है, उसका पूरी दिनचर्या के अनुसार उसे क्या तकलीफ है इसको हमें पता करना पड़ता है। तो अभी जो फिलहाल वातावरण शुरू है उस अनुसार हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल हालत काफ़ी हमारे अनुसार है, क्योंकि पेशेंट जो है अभी हमारी सुन रहा है। लेकिन गलतियां ये हो रही है कि पेशेंट को जो भी तकलीफें हैं वो घबराहट के कारण, डर के कारण हमें बता नहीं पा रहा है, और जो बीमारी है उसके अंदर मौजूद है और वो बीमारी अंदर रहने के कारण बढ़ रही है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है और भी कुछ बीमारियां हैं जो डॉक्टर के पास ना आने के कारण वो अपने आप में बढ़ते जा रही हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसका जब चेकअप करते हैं, जैसे आज एक पुलिसकर्मी आया मेरे पास, तो वो काफ़ी डरा हुआ था, उसे तकलीफ थी, तो चेकअप किया तो बोला, मैडम मैं कल हॉस्पिटल गया था, मैंने सलाइन लगाई, आप मुझे सलाइन लगा दो। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ था। मैंने उसका प्रॉपर टेस्ट किया, उससे जानकारी ली, जब मैंने जैसे उसका शुगर देखा उसका शुगर था 48, तो मुझे समझ में आ गया कि इसे तकलीफ क्या है। तुरंत उसे ग्लूकॉन डी दिया और कुछ ट्रीटमेंट किया और उसकी शुगर नॉर्मल लाई। तो ये हो रहा है कि पेशेंट खुद परेशान है और जान नहीं पा रहा है कि देखिए, मैं पल्लवी पंचकम के साथ साथ माधोबाग दत्तबाड़ी माधोबाग की भी ओनर हूँ, और मैं फ्रेंचाइजी ओनर होने के अनुसार हार्ट पेशेंट का भी ट्रीटमेंट करती हूँ। तो ऐसा जो भी पेशेंट हमारे पास आता है कि जिसे बीपी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, हम पहले उसका ईसीजी करते हैं, साथ ही साथ टीएमटी टेस्ट होता है, एक मशीन होती है ट्रेडमिल, उसमें हम उसे चलाकर उसके जो चलने के अनुसार उसकी स्लोप है वो बढ़ते जाता है, और उस अनुसार वो किस गति से, कितनी स्पीड से चलता है और उसके हार्ट में उसके क्या प्रभाव पड़ता है और उसके अनुसार उसका बीपी कितना रेज होता है, उसका हार्ट बीट कितना रेज होता है, उस अनुसार हम उसे डायग्नोस करते हैं कि उसे तकलीफ क्या है। और अगर उसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम उसे एंजियोग्राफी के लिए रिफर करते हैं, और एंजियोग्राफी में अगर उसे ब्लॉकेजेस आते हैं तो ब्लॉकेजेस के अनुसार उसके हमारे क्राइटेरिया है, उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ठीक इसी तरह जैसे आपने कहा डायबिटीज़ है, कोमॉर्बिडिटी है, तो आप भी, हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है इसकी। कोमॉर्बिडिटी के अनुसार हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो है अभी सतत लॉकडाउन रहा है, उसके बाद में पेशेंट घर में रहने के अनुसार
काफी कुछ खाने पीने में आया है उसके, उसने एक्सरसाइज कम किया है, वॉकिंग कम किया है, तो इसकी वजह से उसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियों का ज्यादा प्रमाण में, यानी जो नहीं होना चाहिए था उसकी एज में, वो अभी उससे हुआ है। तो उस अनुसार उसे गाइड करना, प्रॉपर उसकी दिनचर्या बताना, उसके एक्सरसाइज बताना, और साथ ही साथ उसको दवाइयाँ देना, और यदि उसका कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे पंचकर्म में एडवाइस करना, क्योंकि पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें शोधन होता है, और साथ ही साथ शोधन के अनुसार हम उसे न्यूट्रिशनल बलवर्धक दवाइयाँ भी देते हैं। तो यदि कोई पेशेंट ऐसा हमें मिलता है कि जिसमें ज़्यादा तकलीफ है, तो ऐसे पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोस करके उसे हम पंचकर्म एडवाइस करते हैं, और उस पंचकर्म के अनुसार जब हम उसका शमन चिकित्सा करते हैं, हमारा पंचकर्म होता है 8 दिन, 16 दिन और 30 दिन, कर्मवस्थि, योग बस्ति और काल पैटर्न, ऐसे हमारे पंचकर्म के बस्ति के प्रकार होते हैं, और जो पेशेंट है उसको उसके अनुसार हम उसे गाइड करते हैं कि देखिए आप ये करना है, और यदि पेशेंट हमारा सुनता है हम उसके साथ में पंचकर्म के साथ में शमन चिकित्सा करते हैं, और उसकी जो तकलीफ है उसको पूरी तरह से निजात में पाने में मदद करते हैं। पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें रीजनरेशन ऑफ न्यू सेल्स होते हैं, न्यू बॉडी सेल्स होते हैं, जैसे आयुर्वेद के अनुसार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे हमारे 7 धातु है, और जो भी बीमारी है हम धातुगत उसका डायग्नोसिस करते हैं, निदान करते हैं। यदि वो रसगत है तो हमारे लिए बहुत आसान है उसका ट्रीटमेंट करना, रक्तगत है तो भी हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन यदि व्याधि रोग मज्जागत हो जाता है, अस्थिगत हो जाता है, तो उसके लिए हमें फिर आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। और आज हम कह सकते हैं कि यदि कोई डायबिटीज से ग्रसित है, यदि कोई स्पाइन डिसऑर्डर से ग्रसित है, यदि कोई डिजेनरेटिव डिजीज से ग्रसित है, तो उसके लिए हमें पंचकर्म करना आज बहुत आवश्यक है। यदि समय है तो पंचकर्म जरूर होना चाहिए, और आज हमारे देश को, हमारे विश्व को पंचकर्म की बहुत आवश्यकता है, और इस पंचकर्म के जागरूकता के लिए हमारे समाज ने आगे आना चाहिए। जो भी हमारे समाज में उच्च शिक्षित वर्ग है उसने इस कार्य में मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह चिकित्सा हमारी भारत की चिकित्सा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति नंबर 1 है, लेकिन कुछ कारणवश हम बहुत पीछे जा रहे हैं। आज हमारे विश्व में आयुर्वेद के लिए बहुत जन जागृति है, आज सभी जानते हैं कि केमिकल से बचाओ और हर्बल से लगाओ, यदि होता है तो जो व्यक्ति है, जो रोगी है, उसे ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट मिलती है, और वह काफ़ी समय तक अपनी बीमारी से आज़ाद हो सकता है। मैं कह सकती हूँ कि पंचकर्म बहुत ज़रूरी है, यदि वो 12 घंटा बैठा है तो 3 घंटे अगर वो अपने बॉडी के लिए देता है तो उसमें उसका बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ये जो बैठे रहने के कारण उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल बना है, जिसे हम कह सकते हैं आम धातु कह सकते हैं, तो ये धातु का निवारण करने के लिए पंचकर्म बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। दर्शकों को आप ये भी बताइए कि पल्लवी क्लिनिक में किस तरह के स्पेशलिटी अवेलेबल है, किस तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट है, क्या डायग्नोसिस का टाइप है, और ये पर्टिकुलरली आपका जो क्लिनिक है ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्या लोकेशन है, उस बारे में बताइए। अच्छा, देखिए हम दत्तावाड़ी में 271 गजानन सोसाइटी, नागपुर का एक वाड़ी नगर परिषद एरिया है, यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमारा 20 वर्ष से अधिक हो चुका है, और 12 वर्ष से हम पूरी तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसका कारण ऐसा है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कुछ पैथी फैल हो जाती है, फेल नहीं भी होती है तो हो सकता है कि उसे वो ट्रीटमेंट ना मिलता हो, तो इस वजह से बीमारियां बढ़ती जाती है। जब भी मैं साधारण भाषा में बोल लेती हूँ कि हड्डी की बीमारियां, स्पाइन की बीमारियां, जो हमारी मेरुदंड की हड्डी है उसमें स्लिप डिस्क करके एक बीमारी है, उसके बाद में नेक्रोसिस करके बीमारियां हैं, स्टेनोसिस है, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो काफ़ी दिन रहने के बाद अपना रूप और भी भयंकर, ज़्यादा अति, यानी अति तकलीफ में देना शुरू कर देती है, जिसमें नस दब जाती है,
पेशेंट चलने में असमर्थ होता है। घुटने की बीमारियां जो दिन पर दिन इलाज नहीं करने की वजह से घुटने की हड्डी घसने लगती है, वो नजदीक में आ जाती है और उसमें का जो फ्लूइड है वो खत्म हो जाता है। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब।